हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अगला भगवान का दिव्य गुण शिल रूप गोस्वामी बताते हैं, भगवान सर्व मंगलमय है। मतलब अगर अंग्रेजी में कहें ऑल ऑस्पिशियस। वेदों के अनुसार उस व्यक्ति को सर्व मंगलमयी कहा जाता है जो हमेशा और हर एक प्राणी के लिए, सदैव हमेशा और हर एक प्राणी के लिए कल्याणकारी कार्यकलापों में, क्रियाओं में लगा रहता है। वन हु इज एंगेज्ड इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज फॉर वन एंड ऑल एंड ऑलवेज, उस व्यक्ति को सर्वमंगलमयी कहा जाता है। तो इस संदर्भ में भागवतम में उद्धव जी की एक प्रार्थना है। उद्धव जी भगवान कृष्ण के इस भौतिक संसार से चले जाने के पश्चात जब भगवान ने अपनी लीलाएं इस भौतिक संसार में समाप्त कर दी थी और भगवान वापस अपने धाम को वापस गए थे, तो उद्धव जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि भगवान इतने मंगलमयी हैं कि सारे के सारे जितने भी इस भौतिक संसार के अंदर में महान संतगण थे, सब भगवान की मंगलमयी कार्यों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा अत्यंत संतुष्ट थे। जैसे अगर हम भगवद गीता में भी देखें तो भगवान क्यों इस भौतिक संसार में आते हैं, ये बड़ा जो है बड़ा ही फेमस श्लोक है भगवद गीता में, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये बड़ा ही मंगलमय कार्य है, दुष्टों का भगवान विनाश करते हैं और जो पुण्यात्मा है, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उन लोगों को, जो पवित्र लोग हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ये उदाहरण जो है दिया जाता है कि भगवान जो है सर्व मंगलमयी है। अगला भगवान का गुण श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान परम शक्तिमान है, ऑल पावरफुल। तो उस व्यक्ति को पूर्ण शक्तिमान या परम शक्तिमान कहा जा सकता है जो सदैव अपने प्रतिद्वंदी को, अपने जो ओपोनेंट होता है, जो उसका शत्रु होता है, उसको हमेशा विपदा में डाल सके। वन हु कैन पुट हिज एनिमी और ओपोनेंट इन कैलेमिटी ऑलवेज,
तो उसे हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति परम शक्तिमान है। अब देखिए, ये भगवान की परिभाषा में ही बताया जाता है कि भगवान की परिभाषा क्या है, ये भगवान का मतलब क्या होता है। कई बार हम किसी को भी भगवान कह देते हैं, लेकिन पराशर मुनि वेदों के अनुसार भगवान की परिभाषा बताते हैं। वो कहते हैं जिसके अंदर में षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्रस्तुत होते हैं वो भगवान कहलाता है। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भग इतिंगण। जिसके पास में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य है, पूर्ण रूप से वीरता है, मतलब जो परम शक्तिमान है, पूर्ण रूप से शक्तिमान जो है, और जिसके पास में पूर्ण रूप से ज्ञान है, पूर्ण रूप से वैराग्य है, पूर्ण रूप से सुंदरता है, ये छह गुण जिसके अंदर में पूर्ण रूप से हैं, उसे भगवान कह सकते हैं। तो ये उदाहरण दिया जाता है वेदों के द्वारा कि भगवान इस संसार में जब प्रकट होते हैं तो भगवान का प्राकट्य सूरज के प्रकट होने के समान है, या फिर रात में चंद्रमा जब प्रकट होता है तो आपने देखा होगा कि जब चंद्रमा प्रकट होता है तो अंधेरा दूर भाग जाता है। इसी प्रकार से भगवान के प्रकट होने से बताया जाता है कि जिस प्रकार से अंधेरा दूर भाग जाता है, भगवान के जो शत्रु हैं वो भगवान से दूर भाग करके जा करके शरण लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना, अगर आप देखेंगे जब चंद्रमा निकलता है तो अंधेरा दूर भाग गया, लेकिन गुफाओं के अंदर में फिर भी अंधेरा रहता है, मतलब अंधेरा जाकर के गुफाओं में शरण ले लेता है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तो ये जो दानव लोग हैं, असुर लोग हैं, जो अंधकारमयी हैं, वो अंधकार की भांति भगवान के प्रकट होते ही भाग निकलते हैं और भगवान से दूर जा कर के शरण ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान की परम शक्तिमान का गुण बताया जाता है। हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में इस गुण के बारे में देख सकते हैं। बचपन से ही जब भगवान माँ की गोद में थे, कंस ने अनेक दुष्ट राक्षसों को वृंदावन भेजा था, गोकुल भेजा था भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने एक एक करके सभी इन असुरों का वध किया, कंस का भी वध किया। तो ये भगवान के परम शक्तिमान होने के गुण हैं। अगला गुण बताया जाता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान परम यशस्वी भी हैं, मतलब ऑल फेमस। उस व्यक्ति को परम यशस्वी कहा जाता है जो लोगों को अत्यंत प्रिय हो, वो अत्यंत यशस्वी होता है। तो ये भी हमने भगवान की परिभाषा में देखा, भगवान के अंदर में ऐश्वर्य समग्र यशशः, भगवान पूर्ण रूप से यशस्वी भी हैं। हमारा यश क्या होता है भौतिक संसार में, कुछ समय के लिए रहता है, बाद में हमें कौन पूछता है, हम चले जाते हैं भौतिक संसार से, हमारा यश भी चला जाता है। लेकिन देखिए, भगवान जो हैं, अगर हम देखें भगवान कृष्ण 5000 साल पहले
भगवान ने अपनी लीलाएं यहाँ पर करी थी धरती के ऊपर, आज भी भगवान का यश केवल बढ़ रहा है। तो भगवान जो है पूर्ण रूप से यशस्वी है। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है वेदों के अंदर में। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण का यश बिल्कुल चंद्रमा की चांदनी के बराबर है, जो अंधकार को भी प्रकाश कर देता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसका अर्थ समझना। जब चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तो अंधकार भी प्रकाशित हो उठता है। तो कहा जाता है कि अगर हम भगवान कृष्ण के यश का प्रचार करेंगे, मतलब कृष्णा भावना अमृत क्या है, वो भगवान के यश का ही प्रचार है। तो अगर हम सारे संसार के अंदर में जितना ज़्यादा कृष्णा भावना अमृत का प्रचार करेंगे, भगवान के यश का प्रचार करेंगे, उससे क्या होगा, अंधकार रूपी जो अविद्या है इस भौतिक संसार के अंदर में, और जो भौतिक चिंताएं हैं लोगों की, लोग उन सब से मुक्त हो जाएंगे। तो यही एक बढ़िया तरीका है जिसके द्वारा सारे विश्व के अंदर में हम शांति और समृद्धि जो है ला सकते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण दिया जाता है कि जब नारद मुनि भगवान कृष्ण के गुणगान कर रहे थे, उनके यशों का गुणगान कर रहे थे और भगवान के नाम का जप कर रहे थे, उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि जो शिवजी हैं, भगवान शिव के गले में आपने देखा होगा कि उनका गला नीला है, उन्हें नील कंठ भी कहा जाता है। कंठ की जगह पर उनका जो है गला नीला है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय में विष ग्रहण कर लिया था, जिससे उनका गला जो है नीला रहता है। तो कहते हैं कि जब नारद मुनि ने भगवान के नाम का यश का गान प्रारंभ किया, भगवान के नाम का जप वो करने लगे, उसके प्रभाव के द्वारा जो नीलकंठ हैं, भगवान शिव हैं, उनका नीला गला सफ़ेद हो गया। और उसके फलस्वरूप जब वो पार्वती जी के पास में गए, गौरी के पास में गए, तो गौरी जो है उनको लगा कि ये मेरे पति शिव नहीं है, कोई बहरूपिया है, किसी व्यक्ति ने शिव का रूप धर लिया है, क्योंकि इनके गले में इनका गला नीला नहीं है, अब ये सफ़ेद है। तो उनको शक हो गया कि ये उनके पति नहीं है, और तुरंत जो है उनके संग का उन्होंने त्याग कर दिया। मतलब हम समझ सकते हैं कि भगवान के नाम का प्रभाव क्या होता है। दूसरा एक उदाहरण दिया जाता है कि जब भगवान के नाम का यश का गुणगान वृंदावन में, व्रज धाम में जब चल रहा था, तो बताया जाता है कि बलराम जी, जो जनरली आम तौर पर हमने देखा है, वो नीले कलर के, नीले रंग के जो है वस्त्र धारण करते हैं, तो उनके वस्त्र भी जो हैं सफ़ेद हो गए। जैसे हंस सफ़ेद होता है, उसी प्रकार से बलराम जी के वस्त्र भी जो है सफ़ेद हो गए। और ये भी बताया गया है कि व्रज धाम में जब भगवान की महिमाओं का गान चल रहा था, जब भगवान के यशों का गान चल रहा था, जब उनके नाम का जप चल रहा था, तो गोपियों ने स्वयं देखा कि यमुना का जो पानी है वो भी दूध की भांति सफ़ेद हो गया है। और उसके कारण गोपियां जो हैं, अब उन्होंने सोचा कि
यमुना नदी में इतना दूध है, तो उन्होंने उसका मंथन प्रारंभ कर दिया दही और माखन बनाने के लिए। तो ये भी जो है एक उदाहरण दिया जाता है। इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का यश, भगवान की लीलाओं का गान, भगवान के नाम के अंदर में इतनी शक्ति है कि अगर हम उसका प्रचार करते हैं, जितना ज़्यादा हम भगवान के यश का प्रचार करेंगे, उतना ज़्यादा इस संसार के अंदर में शुद्धता बढ़ेगी। जैसे अगर हम उदाहरण में देखें, शिवजी का नीला जो कंठ था वो सफेद हो गया, बलराम जी का जो वस्त्र नीला था वो भी सफेद हो गया, और जो यमुना जी का पानी था वो भी सफेद हो गया। और सफेद जो है, जो हंस रूपी जो उदाहरण दिया जाता है, वो शुद्धता पवित्रता का उदाहरण होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम भगवान के यश का गान करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उतनी ज़्यादा पवित्रता और शुद्धता इस संसार में बढ़ती जाएगी। आगे अगले गुणों का हम वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।